महीने और समस्या है, मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं कर्नल साहब। अभी एक और समस्या है जो ये सभी लोग अभी बताएंगे, ये संजय नायक भी बताएंगे और अफसार मंसूरी साहब भी बताएंगे। एक समस्या है कि जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें बहुत सारे पैसे का जो लेन देन हुआ है वो कैश में हुआ है, और अभी कल हमारे पास अकोला महाराष्ट्र से जुड़े थे एक सज्जन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्होंने हमको बताया कि जब वो रिटायर होकर के आए तो वो इसमें पैसा भी उन्होंने इन्वेस्ट किया और फिर वो इसके एजेंट भी बने, वो काम भी कर रहे थे, कार्यकर्ता भी बने। उनका कहना था कि 19,000 रुपए 20,000 से कम का उन्होंने कैश में जमा किया और उस पैसे का उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं। अब आप सोचिए, मैंने उनसे पूछा कि ये 19,000 रुपए जमा करने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी, 5,000 10,000 50,000, उन्होंने कहा लाखों में संख्या है, लाखों में। अब ये तो अद्भुत विषय है सर। संजय नायक जी, ये जो वो सज्जन जो हमको बता रहे थे उस दिन, ये 20,000 रुपए देने वाले लोगों जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास कोई पर्ची तक नहीं है जो वो साबित कर सके कि मैंने पैसा दिया है, क्या ये बात सही है? ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में है, लाखों में है, इसका निदान कैसे होगा, जरा बताइए। नहीं सर, वो एक्चुअल में सही तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाए आज तो जी। पहले तो धन्यवाद आपका और जो इस मंच पे बैठे हैं उन सभी का धन्यवाद। वो जो स्कीम आई थी हेल्थोरियम की, वो स्कीम एक्चुअल में क्या है, सिलेक्टेड लोगों ने अपनी अपनी ब्रांचों में कार्यकर्ताओं ने ली थी, सारे लोगों ने नहीं ली। जैसे मैंने नहीं ली, मुझे नहीं लेना थी, मैंने नहीं ली। तो जो जिस पे कंपनी का या मैनेजर का प्रबंधन का कहना चाहिए बस चल गया या उनकी बात मान गए, उन्होंने ले ली वो स्कीम, तो वो परसेंटेज बहुत कम है। वो लाखों में तो अपन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हजारों में है वो परसेंटेज, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में कार्यकर्ता हैं और उनको सही सटीक जानकारी नहीं है। हर ब्रांच में कहना चाहिए एवरेजन 5-2-5 लोगों ने ये स्कीम ली थी, बहुत पुरानी स्कीम है उस समय। तो वो एक्चुअल में कंपनी ने जो भी जहां भी उस फंड को डाइवर्ट किया हो, जो भी उपयोग किया हो, तो वो कहना चाहिए जैसे होता ना साहब के ओरल कोई चीज हो गई कि हाँ इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो, तो जो उसमें आया कन्वेंस हुआ उसने पैसा दे दिया, तो हजारों में है, मेरी समझ से लाखों में नहीं है। कितना हो गया जी सर? 90,000 × 20,000 108 करोड़ जी। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक कितना हो गया, 90,000 × 20,000 108 करोड़, अगर मैं कैलकुलेशन मेरा सही है तो इसमें तो यही शोध कर रहा है, अरब दिखा रहा है। कर्नल साहब, 108 करोड़ फर्ज कीजिए, 108 करोड़ रुपया जो है मार्केट से उठा, और अभी संजय जी सही कह रहे हैं कि इसकी जानकारी किसी को है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर हम इनके हिसाब से चलते हैं कि भाई लाखों में नहीं है, हजारों में चलते हैं, तो 90,000 उसका आकलन कर लेते हैं, मान लीजिए मोटा मोटी, तो 90,000 × 20,000 रुपया, आप सोचिए इतने रुपए का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनको तो पैसे मिलेगा नहीं, सरकार कैसे देगी पानी लो, वो दे नहीं सकती है। जब आप सरकार दे नहीं सकती, सरकारी वो सरकार दे नहीं सकती, यही मैं समझना चाह रहा हूँ आज मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि भाई ये हैरानी है कि ये पैसा कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, इतना झोल है। मैं जितना रिसर्च करते जाता हूं उतनी परेशानी में फंस रहा हूं, और ये कह रहे हैं कि सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही, सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही है। मैं जितना रिसर्च करते जा रहा हूं ना सर, आप ये देखिए संजय नायक साहब मुस्कुरा रहे हैं, नायक साहब आप मुस्कुरा रहे हैं या ये जो आपका दिल दुख रहा है, ये बताइए आप। सर हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, आपके मंच पे कहा था कि पूरा एक पुराण लिखा जाएगा। संजय साहब, कुछ एजेंटों के ऊपर बहुत बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, और ये जो आपने आपकी मुस्कुराहट थी, ये मुस्कुराहट उस दिशा में मुझे लग रही है कि पागल हो तुम लोग, पैसे वैसे नहीं मिलेंगे।
ये इस टाइप की मुस्कुराहट थी, ये मुझे छवि दिखाई पड़ रही है इस मुस्कुराहट में। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं संपूर्ण गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग ऐसे ही लड़ते रह जाओगे, मरते रह जाओगे, अरे कहीं कुछ है ही नहीं, मिलेगा कहां से पैसा। आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं इस मंच के माध्यम से आप ये सरकार कैसे दे पैसा, आप तरीका बताइए। मैं सरकार को तरीका बता रहा हूं, सरकार हमारे शो को देखती है, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, सरकार हमारे शो को बहुत गंभीरता से देखती है और उस पर एक्शन भी हो रहा है, फटाफट हो रहा है एक्शन, इसलिए मैंने कहा कि बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है और बहुत गंभीरता से एक्शन भी हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सरकार पैसा लौटाएगी कैसे, लौटाएगी कैसे, लौटाएगी जरा बताइए, आप बताइए। संजय नायक जी बोलिए ना। सर मैं आपको बताऊं, बिना सहारा इंडिया के सहयोग के ना तो सरकार ना कोर्ट ना कोई भी एजेंसी पैसा नहीं दे सकती, उसको सहारा इंडिया की मदद लेना ही पड़ेगी। वेरिफिकेशन में पैसा आप कैसे ही डालो, आप ऑनलाइन डालो, आप चेक से दो, लेकिन वेरिफिकेशन सहारा इंडिया ही कर पाएगी, क्योंकि सहारा इंडिया ने ही रिकॉर्ड को पता है, उसने कैसे पंच किया है, कौन जमा करता है उसको ही पता है। क्योंकि एक बात और है तर्कपूर्ण में दे रहा हूं, क्योंकि पूरी बात लोग बात सुनते नहीं है ना समझते हैं, कि साहब जो सहारा इंडिया में एम्प्लॉय थे वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, और जो उसमें कार्यकर्ता थे वो भी बहुत अच्छे कहना चाहिए वेल एजुकेटेड नहीं थे। उसका परिणाम ये हुआ है कि कहीं तो लिख दिया है रामलाल एक साथ, ये जानबूझ के नहीं किया है, ये अनजाने में हुआ है, कहीं लिख दिया है उसको गैप दे के, कहीं कार्यकर्ता ने रामलाल की जगह रामलला कर दिया, कहीं स्टाफ ने उसको कर दिया रामलला। तो कहने का मतलब है जो कहना चाहिए कम पढ़े लिखे के कारण या आधार से सही तरीके से उसको पंच ना होने के कारण कई प्रकार की विसंगतियां हैं, वो ना तो सरकार की एजेंसियां दूर कर सकती है ना कहना चाहिए रेगुलेटर दूर कर सकता है, वो सर्फ सहारा ही कर सकता है। मेरा ये लिख गोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।